तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी स्टडी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि करैक्टर टेस्ट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग समझा था कि कैसे इफ एल्स लैडर का यूज़ किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप यहाँ पे जाकर इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट का यूज़ समझ सकते हैं। अगर आपको इफ एल्स लैडर क्लियर होगा तभी आप करैक्टर टेस्ट का फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो करैक्टर टेस्ट फंक्शन को मेनली हम यूज़ कहाँ करते हैं, इनका यूज़ हम करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, यानी कि इफ एल्स लैडर जैसे स्टेटमेंट्स में हम करैक्टर टेस्ट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है, तो करैक्टर टेस्ट फंक्शंस हमारे पास जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि किस टाइप का डाटा जो है वो इनपुट किया गया है कीबोर्ड से। मान लीजिए मैंने कोई की प्रेस कर दिया, कहाँ से, कीबोर्ड से मैंने कोई की प्रेस किया। अब मुझे अपने कंपाइलर को बताना है कि क्या वो, अगर वो की एक अल्फ़ाबेटिक होगा या फिर वो एक डिजिट है, तो तुम्हें ये काम करना है। तो वो क्या होगा, उसके लिए हम किसे यूज़ करते हैं, इसे इसके लिए हम यूज़ करते हैं करैक्टर टेस्ट फंक्शंस का। हमारे पास कौन कौन से करैक्टर टेस्ट फंक्शंस है देख लेते हैं हम। हमारे पास सबसे पहला जो करैक्टर टेस्ट फंक्शंस है वो क्या है, इज़ैल्नम, एंड ब्रैकेट में क्या है उसके वी। अब इज़ैल्नम वी का क्या मतलब है, इज़ैल्नम वी का ये मतलब है कि जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई है या जो हमारा कॉन्स्टेंट है वो एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं, ठीक है ना। अगर वो एक अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो तुम्हें ये काम करना है, मतलब अलग अलग है। जैसे इज अल्फा, इसका मतलब क्या है, इज वी एन अल्फाबेटिक करेक्टर इज डिजिट, इसका मतलब यह है कि इफ इज वी ए डिजिट वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9, इज प्रिंट का मतलब है कि क्या एक बी जो है प्रिंटेबल वैल्यू है, इज पंक का मतलब है कि इज वी ए पंक्चुएशन वैल्यू। अब पंक्चुएशन वैल्यू क्या होती है, जैसे कि स्पेशल सिंबल्स होते हैं हमारे पास अलग अलग, उसे हम पंक्चुएशन सिंबल्स कह देते हैं। ये सभी हमारे पास हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा इसमें से, इज अल्फा, इज नम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज डिजिट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है इज लोअर, ये पता करता है कि हमने जो जिस टाइप का हमने डाटा कीबोर्ड से इनपुट करवाया है वो कैपिटल लेटर में है, लोअर केस में है या हायर केस में है। अगर वो लोअर केस में होगा तो इज लोअर वी का यूज़ करेंगे, इसका मतलब है कि इज वी ए लोअर केस करेक्टर। अगर वो हायर केस या अपर केस में होगा उसके लिए हम यूज़ करेंगे इज अपर वी। अगर हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको बेसिकली अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब टू लोअर, टू लोअर का क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास अपर केस में है तो हमें उसे टूल उसे हमने लोअर केस में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए कि हमने कोई अपर केस का कोई मतलब कैपिटल लेटर में कोई क्या इनपुट करवाया कोई वर्ड कीबोर्ड से, तो होगा क्या, अगर हमें उसे लोअर में कन्वर्ट करना है तो हम उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे, उसके इक्वल हम टू लोअर वी कर देंगे, तो उससे क्या होगा वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह टू अपर का भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये हमारे पास क्या होते हैं, करैक्टर टेस्ट फंक्शंस होते हैं। मुझे पता है आपको इतनी अच्छे से अभी तक समझ नहीं आएगा, बट जब हम इसका एक फंक्शन प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे से ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ और बता दूँगा आपको, हेडर फाइल, जब भी हमने करैक्टर टेस्ट फंक्शंस का यूज़ करना है उसके लिए हमें सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड करनी ही पड़ेगी। मतलब जब भी हमने करैक्टर टेस्ट फंक्शंस का यूज़ करना है उसके लिए हमें क्या इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट एच। ये एक नेसेसरी हेडर फाइल है टू यूज़ करैक्टर टेस्ट फंक्शंस। उसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि करैक्टर टेस्ट फंक्शन का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो करैक्टर टेस्ट फंक्शन का यूज़ हम करते हैं मेनली कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, जैसे कि इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स से हम किसका यूज़ करते हैं, करैक्टर टेस्ट फंक्शंस का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो दोस्तों चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम के जरिए आपको अच्छे से क्लियर होगा। और प्रोग्राम को बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इसका एक सिंटैक्स बता देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए कि मैंने जो कीवर्ड टाइप किया तो मैं क्या करूँगा, इसका सिंटैक्स क्या, इफ इज डिजिट, अगर मैंने ये पता करना है कि वो डिजिट है या नहीं है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, इफ इज डिजिट वी ग्रेटर देन ज़ीरो। इससे क्या हुआ, इससे ये काम हुआ मेरा कि इससे मुझे ये पता लग गया कि जो मैंने टाइप किया अगर वो डिजिट होगा तो वो उसको ये डिसीजन देनी है। अब मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, उस प्रोग्राम में हम मेनली करेंगे क्या, मैं क्या करूंगा, यूज़र से कहूंगा कि कीबोर्ड से कुछ क्या करे, कोई लेटर अपने आप मतलब कोई की प्रेस करे, जो भी की वो प्रेस करेगा मैं ये पता करूंगा कि वो एक अल्फाबेटिक है या डिजिट है। अगर अल्फाबेटिक है तो हायर केस में है या लोअर केस में है, अगर हायर केस में तो उसे लोअर में कन्वर्ट करूंगा और अगर लोअर में तो उसे हायर में कन्वर्ट करूंगा। बेसिकली ये मेरा क्या रहेगा, एक प्रोग्राम रहेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोग्राम बहुत सा डिफिकल्ट सा लग रहा है थोड़ा, बट जब हम करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। तो हम अपने सी कंपाइलर के ऊपर चलते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, और न्यू फाइल के करने के बाद मैं सबसे पहले सब कुछ इरेज कर, न्यू फाइल बना लेता हूँ पहला, और न्यू फाइल बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
सबसे पहले जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे पहले हम क्या लिखते हैं, उसकी हैडर फाइल, सॉरी हैडर फाइल कह रहा हूँ, कमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख लेता हूँ, कमेंट लिखने हूँ, कमेंट में क्या लिखूँगा, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ कैरेक्टर टेस्ट फंक्शंस इन सी। अब मैं करूँगा क्या, मैं इस प्रोग्राम के अंदर क्या करूँगा, इस प्रोग्राम के अंदर मैं क्या करूँगा, सिंपली यूज़र को कहूँगा कि वो एक की टाइप करे और जो भी की वो प्रेस करेगा उसे मैं गेट कैर की हेल्प से उसे क्या करवा लूँगा, उस वैल्यू को स्टोर करवा लूँगा और फिर मैं देखूँगा कि वो एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है या फिर वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर वो एक डिजिट है। जब वो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू होगी तो अपर केस में है या लोअर केस में है, अगर वो अपर केस में है तो उसे लोअर में कन्वर्ट करो, अगर वो लोअर केस में है तो उसे अपर में कन्वर्ट करो, ये मेरा प्रोग्राम रहेगा। तो मैं किसकी हेल्प के साथ करूँगा, ये करेक्टेड टेस्ट फंक्शंस की हेल्प के साथ करूँगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल इंक्लूड करूँगा। उसके बाद मैंने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था इसमें हमने एक नेसेसरी जो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं उसका नाम क्या है, सी टाइप डॉट एच, हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट एच, ठीक है, सी टाइप डॉट एच और स्टूडियो डॉट एच मैंने इंक्लूड कर लिया। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, यहाँ से शुरू करूँगा अपना मेल, तो इसमें मैं क्या करूँगा, सी मेल ही रखूँगा, चर को एज ए मेल रख लूँगा, कर को सॉरी, और यहाँ से मैं अपनी मेन की ब्रेसेज शुरू करता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा वी वन और वी टू टाइप के, और यहाँ पर मैं करूँगा वी वन v2 नाम के दो क्या है वेरिएबल्स को क्या करूँगा डिक्लेयर करूँगा, कैर v1 एंड v2। अब मुझे क्या करना, सिंपली इनके अंदर मैं क्या करूँगा इनपुट करवाऊँगा वैल्यू। अब आप कहोगे कि यहाँ पे मैंने v2 क्यों रखा है, तो v2 मैंने इसलिए रखा है अगर ये लोअर केस में तो उसे अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, उससे मैं कंपेयर कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ करवाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख लूँगा प्रेस एनी फ्रॉम, प्रेस एनी की फ्रॉम, मैं क्या कहूँगा यूज़र से कि कोई भी की जो वो प्रेस करे कीबोर्ड से। अब जो भी वो की प्रेस करेगा, जो भी उसने की प्रेस किया है, मैं क्या करूँगा उस की को किसमें स्टोर करवाना है, उस वैल्यू को मैंने स्टोर करवा देना वी वन में। तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं गेट कैर फंक्शन, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा वी वन इक्वल्स टू की क्या कर दूँगा, अगर वी वन में स्टोर करवाना है गेट कैर का यूज़ करूँगा और यहाँ पर वैल्यू खत्म कर दूँगा वी वन इक्वल्स टू गेट कैर, ठीक है ना। अब जो भी की वो टाइप करेगा वो सिंपली v1 में जाके क्या आ जाएगा, स्टोर कर जाएगा, क्योंकि कैट कैर का यही फंक्शन होता है कि वो एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करवा देते हैं जिसके वी को हम उसे कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे, है ना, तो यहाँ से हम इफ़ का यूज़ करेंगे, इफ़ हमें इफ़ का सिंटैक्स पता है। अगर हमने अब पता करना है कि जो भी उसने की टाइप किया वो एक अल्फ़ाबेटिक है या नहीं, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इज़ अल्फ़ा, जो कि मेरे पास क्या है, करेक्टेड टेस्ट फंक्शन है, इफ़ इज़ अल्फ़ा बट है कौन, ब्रैकेट में वी है और वी वन से कंपेयर करना है वी वन। तो मैंने आपको सिंटैक्स बताया था कि इज़ अल्फ़ा इसका मतलब अगर इज़ वी वन इज़ अल्फ़ाबेटिक, इसका सिंटैक्स होता है इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब क्या होगा कि इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, कि अगर अल्फ़ाबेटिक वी वन, अगर वी वन एक अल्फ़ाबेटिक है तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इज़ अल्फ़ा वी वन ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो यहाँ पर मैं ब्रेसेस को क्या कर दूँगा, यहाँ पर बंद कर दूँगा और इसके बाद कोई भी सेमीकोलन मेरे पास नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा नीचे, इफ़ इज़ अल्फ़ा वी वन ग्रेटर दैन ज़ीरो, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ द की यू प्रेस इज एन अल्फ़ाबेटिक करेक्टर, कि आपने जो की प्रेस किया वो क्या है, एक अल्फ़ाबेटिक करेक्टर है, ठीक है, मुझे ये प्रिंट करवाना है। अब अगर ये अल्फ़ाबेटिक करेक्टर है तो मुझे पता है क्या करना है, अगर ये एक अल्फ़ाबेटिक करेक्टर है, अगर ये अल्फ़ाबेटिक है, हो सकता है ये लोअर केस में हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक लोअर केस में है, इसलिए मुझे क्या करना होगा, अगर ये लोअर केस में है तो उसे हायर में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए मैं इसमें नेस्टेड इफ़ का यूज़ करूँगा, इफ़ फिर से मैं इफ़ का यूज़ करूँगा जिसे मैं नेस्टेड इफ़ कहता हूँ, इज़ लोअर, इसका मतलब अगर वो लोअर वैल्यू हो, इज़ लोअर वी वन इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, इसका मतलब है कि जो कि हमने टाइप किया है अगर वो अल्फ़ाबेटिक है बट अगर वो क्या है एक लोअर वैल्यू में है, इफ़ इज़ लोअर वी वन ग्रेटर दैन ज़ीरो, तो मुझे क्या करना है, तो फिर से यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा, प्रिंट एफ इट इज़ लोअर केस वैल्यू, जो आपने टाइप किया वो क्या है एक लोअर केस वैल्यू है,
ठीक है, इट इज़ अ लोअर केस वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, अगर वो लोअर केस वैल्यू होगी, इट इज़ अ लोअर केस वैल्यू कि वो एक लोअर केस वैल्यू, तो उसे मुझे क्या करना, हायर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करता था, टू अपर फंक्शन यूज़ करता था, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, वी टू जिसे मैंने कंपेयर करना है, इक्वल टू क्या करूँगा, टू अपर वी वन। इसके यूज से क्या होगा कि V2 को मैं एज ए अपर मान लूँगा, V2 इक्वल टू अपर V1, इससे क्या होगा, V1 जो है वो हायर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट ऑफ करवाऊँगा, द हायर केस, सॉरी द अपर केस वैल्यूज, द अपर केस वैल्यू इज। अब हम क्या करते थे, स्कैनएफ का यूज़ करते थे। अब मैं यहाँ पे यूज़ किसका करूँगा, पुट कैर का, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए होता है, ठीक है। अब मुझे पता है क्या हो रहा है कि जो मेरी हायर वैल्यू यहाँ पे, जो अपर वैल्यू वो किस में स्टोर होगी, V2 में, इसलिए मैंने पुट कैर कर दिया यहाँ पे V2, कि जो मेरे पास क्या अपर केस वैल्यू, उसे मैंने पुट कैर करके उसे रिप्रेजेंट कर देना स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। किया क्या हमने, अगर वो अल्फाबेटिक होगा तो ये चीज़ प्रिंट करवानी है, अगर वो लोअर केस में होगा तो ये चीज़ प्रिंट करवानी है, और अगर लोअर में तो उसे हायर में कन्वर्ट भी करना है मुझे, उसके लिए मैंने क्या यूज़ कर दिया, टू अपर का यूज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ तक मेरा प्रोग्राम बिल्कुल क्लियर है। उसके आगे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इज, इसके बाद इज लोअर वी वन ग्रेटर देन जीरो। अब मैं यहाँ पे इसका यूज़ करूँगा एल्स का, और एल्स के यूज़ कैसे करूँगा मैं, हो सकता है कि वो क्या हो एल्स, नहीं तो मुझे क्या करना है, अगर वो एक मतलब अगर वो लोअर केस नहीं होगी तो क्या होगा, अपर केस ही होगी, इसलिए मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा, इट इज एन अपर केस वैल्यू, कि वो एक अपर केस वैल्यू है, अगर लोअर नहीं होगी तो अपर केस ही होगी ना। उसके बाद मैं अगर ये अपर केस है तो उसे लोअर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वी टू साथ कंपेयर करूंगा, उसके लिए मैं यूज करता हूँ करेक्टेड फंक्शन टू लोअर, वी टू इक्वल्स टू लोअर, और उसे किसके साथ कंपेयर करूंगा, वी वन के साथ, और यहाँ पे से कर दूंगा बंद। और यहाँ पे जब ये होगा तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन स्टेटमेंट को लिखूँगा, द लोअर केस वैल्यू इज। अब मैं यहाँ फिर से पुट कैर का यूज़ करूँगा। पुट कैर का यूज़ हम सिंगल करैक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए करते हैं, और सिंगल करैक्टर यहाँ पे हमारे पास V2 है, जो भी वो टाइप करेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसे हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, और जब इसे क्लोज करेंगे, अब आप देखेंगे ये वाला इफ स्टेटमेंट जहाँ से शुरू हुआ था अब तक ये एंड नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसे फिर से क्या करूँगा, यहाँ पे एंड करूँगा, और मैं आऊँगा थोड़ा नीचे, नीचे आने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, एल्स इफ का यूज़ करूँगा, कि अगर वो एक, यहाँ से मैंने किया था कि अगर वो एक अल्फाबेटिक होगा तो तुम्हें ये चीज़ प्रिंट करवानी है, अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये चीज़ प्रिंट होगी, अगर ये चीज़ प्रिंट हो गई, अब अगर वो क्या है, अल्फाबेटिक है, तो अगर वो लोअर होगा तो मुझे क्या करना है, ये चीज़ प्रिंट करवानी है, अगर लोअर है उसे हायर में कन्वर्ट करना है, नहीं तो अगर वो हायर है उसे लोअर में कन्वर्ट करना है, हर चीज़ का इसमें मैंने प्रोग्राम किया। अब मैं यहाँ पे एल्स इफ का यूज़ करने वाला हूँ, एल्स इफ, तो कंडीशन क्या लिखूंगा, कि अगर वो क्या होगा, एक डिजिट होगा जो मैंने कीबोर्ड से टाइप किया, इस डिजिट वी वन, इसके लिए भी कंडीशन वही होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो, इस डिजिट वी वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है यहाँ से, एल्स इफ इस डिजिट वी वन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, कि अगर जो भी की उसने टाइप प्रेस किया कीबोर्ड से वो एक डिजिट होता है, तो मुझे प्रिंट करवाना है यहाँ पे, द की यू प्रेस इज अ डिजिट, कि जो भी की आपने प्रेस किया है कीबोर्ड से वो एक डिजिट है, तो यहाँ पे आके मैं इसे बंद करूँगा, द की यू प्रेस इज अ डिजिट, ठीक है। एल्स इफ यहाँ तक चला, और लास्ट में मैं यूज़ करूँगा एल्स का, कि अगर वो डिजिट भी ना हो तो वो एक स्पेशल करैक्टर होगा, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एल्स, और प्रिंट करवा दूँगा, कि अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होती है तो पक्का वो क्या होगा, एक स्पेशल करैक्टर होगा, तो यहाँ पे लिखूँगा द की यू प्रेस इज एन इज अ स्पेशल करैक्टर, ठीक है, कि जो मैंने की प्रेस किया वो क्या एक स्पेशल करैक्टर है, यहाँ पे से बंद करूँगा। आप देखिए यहाँ से हमारा इफ शुरू हुआ था और यहाँ पर आके क्या हो रहा है, हमारा खत्म हो रहा है, और यहाँ से एल्स इफ शुरू, यहाँ पे खत्म, यहाँ पे एल्स शुरू, यहाँ पे खत्म, और अब यहाँ पे मैं मेन का एंड करूँगा, किससे, रिटर्न जीरो से, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे बंद कर दूँगा।
तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम था, इसमें हमने करेक्टर टेस्ट फंक्शंस कहाँ कहाँ यूज़ किए, इज अल्फा यूज़ किया, फिर इज लोअर यूज़ किया, फिर हमने यहाँ पे टू अपर यूज़ किया, ये करेक्टर टेस्ट फंक्शन ही है, फिर इज डिजिट यूज़ किया। इसका मतलब क्या था कि अगर हमारा इसका यूज़ हमने ऐसे किया कि अगर जो भी की उसने प्रेस किया वो एक अल्फ़ाबेटिक होगा, इज़ वी वन अल्फ़ाबेटिक ग्रेटर देन ज़ीरो, इसका मतलब कि अगर वो अल्फ़ाबेटिक हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा कि द की यू प्रेस इज अल्फ़ाबेटिक करेक्टर, ठीक है। उसके बाद मैंने नेस्टेड इफ का यूज़ किया कि अगर वो लोअर केस में होगा तो ये चीज़ प्रिंट करवानी है, उससे अगर लोअर में होगा तो उसे हायर में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो आई होप को आपको प्रोग्राम समझ लगा होगा, हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, प्रेस एनी की फ्रॉम कीबोर्ड, मान लीजिए मैं यहाँ पे टी करता हूँ टाइप, जैसे मैंने टी टाइप किया और एंटर दबाया, अब आप देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए हुआ क्या, यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या कहा, कहते प्रेस एनी की फ्रॉम कीबोर्ड, मैंने जब यहाँ पे टी टाइप किया कहते की यू प्रेस इज एन अल्फाबेटिक करेक्टर, हाँ बिल्कुल सही बात है, जो भी की आपने प्रेस किया वो एक अल्फाबेटिक करेक्टर है, टी एक हमारे पास अल्फाबेटिक करेक्टर ही है, इट इज़ ए लोअर केस करेक्टर, आप देख सकते हैं टी यहाँ पे क्या है, एक लोअर केस करेक्टर है, ओबियसली ये एक लोअर केस करेक्टर है। और हमने क्या कहा था कि अगर वो लोअर केस में होगा उसे अपर में भी कन्वर्ट करने का एक प्रोग्राम किया था हमने, द अपर केस वैल्यू इज़ कैपिटल टी, जो अपर केस वैल्यू वो क्या है इसकी कैपिटल टी है। तो आपने देखा कैसे ये प्रोग्राम रन किया, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मान लीजिए फिर से मैंने प्रोग्राम रन किया था प्रेस एनी की फ्रॉम कीबोर्ड, देखिए प्रेस एनी की फ्रॉम कीबोर्ड, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यहाँ पे मैं डॉलर का साइन लगा देता हूँ, जब मैं यहाँ डॉलर का साइन लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा प्रिंट यहाँ पे, द की यू प्रेस इज अ स्पेशल करेक्टर, जो आपने की प्रेस किया वो एक स्पेशल करेक्टर है, ओब्वियसली डॉलर का साइन जो हमारे पास है वो एक स्पेशल करेक्टर है। अब मैं यहाँ पे फिर से क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ, प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड, नीचे देखिए तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करता हूँ, वो एक इंटीजर टाइप कर लेता हूँ 35 34, अब देखिए नीचे क्या आ गया, की यू प्रेस इज अ डिजिट, जो भी की आपने प्रेस किया वो एक डिजिट है। तो देखिए प्रेस एनी की फ्रॉम कीबोर्ड, ये हमारे पास क्या है एक सिंपल सा प्रोग्राम बन गया, जिसमें हमने क्या किया कोई की प्रेस किया उस की को उसने बता दिया कि क्या अल्फाबेटिक है या फिर क्या डिजिट है, अगर अल्फाबेटिक है तो लोअर में है या हायर में है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कैपिटल ए डाल के देखता हूँ, सॉरी कैपिटल ए डालूंगा तो देखिए क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल ए डाला तो उन्होंने क्या किया था, की प्रेस इज अ अल्फाबेटिक करेक्टर, इट इज़ एन अपर केस वैल्यू, वो एक अपर केस की वैल्यू है, ठीक है ना, द लोअर केस वैल्यू इज स्मॉल ए, और लोअर केस की वैल्यू भी बता दी। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना सिंपल था ये प्रोग्राम, हमने इसमें यूज़ क्या क्या किया, इज लोअर इज हायर इज डिजिट, सारे हमारे पास क्या करेक्टर टेस्ट फंक्शंस, ये बताते हैं कि किस टाइप का करेक्टर है, अगर वो लोअर होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कर दिया तो ये चीज़ प्रिंट करवानी है, ठीक है ना। ये इसे हम क्या कहते हैं, करेक्टर टेस्ट फंक्शंस कहते हैं, इनका यूज़ आपको आई होप की समझ आ गया होगा। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, और सब्सक्राइब तो पक्का कर देना चैनल को। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।